दोस्त, भगवान ने इंसानों को बनाया या इंसानों ने भगवान को बनाया, आइए जानते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्त, भगवान ने इंसानों को बनाया या इंसानों ने भगवान को बनाया, एक वो भगवान जिसने सारा सृष्टि बनाई, ग्रह बनाए, ब्रह्मांड बनाए, इंसान बनाए, जानवर बनाए, पेड़ पौधे बनाए, और एक ये इंसान जिसने भगवान को बनाया, धर्म बनाए, जात पात बनाए, हिंदू बनाए, मुस्लिम बनाए, नफरत बनाए, लालच बनाए। दोस्तों, हमें बेशक भगवान ने बनाया, लेकिन हम कभी उस भगवान को पूजा ही नहीं करते जिसने हमें बनाए। बेशक भगवान ने हमें बनाया है, लेकिन हम कभी उस भगवान को पूजा ही नहीं करते जिसने हमें बनाया है, बल्कि हम उस भगवान को पूजा करते हैं जिन्हें हमने बनाया है। जिस भगवान ने सारा सृष्टि बनाई, उन्हें हीरे मोती सोने चांदी 56 भोग की क्या जरूरत है। जो भगवान को 56 भोग लगती है और रास्ते में लाखों गरीब भूखे मरते हैं, जिस भगवान के ऊपर हजारों लीटर दूध चढ़ती है, रास्ते में लाखों बच्चे भूख से अपना दम तोड़ते हैं। दोस्तों, मेरा इरादा आपके मन को ठेस पहुंचाना नहीं था, जो फैक्ट है वही बता रहा हूँ। जिसने ब्रह्मांड को बनाया, सूर्य चंद्र ग्रह पेड़ पौधे इंसान जानवर को बनाया, उसे सोना चांदी मोती 56 भोग दूध की जरूरत है या रास्ते की गरीब को जरूरत है। साल में दो बार तो धर्म के नाम पे झगड़े हो ही जाते हैं, लाखों मर जाते हैं और हजारों बच्चे बेसहारा हो जाते हैं। दोस्तों, जिस धर्म के नाम पे हम और आप लड़ाई करते हैं, इससे भगवान और अल्लाह कभी खुश नहीं होंगे। आप अगर ये समझते हैं कि भगवान या अल्लाह हमारी धर्म के वजह से खुश हो जाएंगे और हमें स्वर्ग या जन्नत में आपको एक बोरिया बिस्तर दे देंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। स्वर्ग या जन्नत में हाउसफुल चल रही है मेरे दोस्त, वैकेंसी खाली नहीं है। बेहतर है कि आप अच्छे कर्म करो, ताकि वेटिंग में शायद आपको एक सीट मिल जाए। तो चलिए, बंद कीजिए राम राम जपना, पराया माल अपना। आइए दोस्तों, दिल से पूजा करें, एक अगरबत्ती से भी भगवान अल्लाह खुश रहेंगे। दोस्तों, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूलिए, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। नमस्कार।